डूंगरपुर जिले के जिला उपवन संरक्षक सुगना राम जाट ने बताया कि कल देर शाम पाटली गुजरेश्वर गांव के ग्रामीणों के जरिए सूचना मिली थी कि पाटली गुजरेश्वर तालाब के पास सड़क किनारे एक पैंथर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। ग्रामीण की ओर से सूचना मिलने पर डूंगरपुर रेंज के वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। इस दौरान टीम ने देखा कि सड़क किनारे पैंथर मृत अवस्था में है। पैंथर के सिर व मुंह पर चोट के निशान थे, वहीं खून भी बह रहा था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पैंथर के शव को मौके से उठाया और उसे शहर की पातेला नर्सरी में रखवाया। इधर आज सुबह वन विभाग की टीम ने पातेला नर्सरी से शव को उठवाकर डूंगरपुर जिला पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर वन विभाग ने पशु चिकित्सकों की टीम ने पैंथर के शव का पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने शहर की दो नदी नर्सरी में पैंथर के शव का अंतिम संस्कार करवाया। जिला उपवन संरक्षक सुगना राम जाट ने बताया कि मृत नर पैंथर 2.5 से 3 साल का बताया जा रहा है। वहीं प्रथम दृष्टया पैंथर की मौत किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से मानी जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। उल्लेखनीय है कि कल देर शाम को 84 विधानसभा क्षेत्र के पाटली गुजरेश्वर में तालाब के पास पैंथर मृत अवस्था में मिला था। वन विभाग टीम ने पैंथर के शव को जिला पशु दवाखाना पहुंचाया था, जिसके बाद आज पैंथर के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया है। वहीं क्षेत्र में पैंथर की होने पर दहशत भी फैली हुई है। पाटली गुजरेश्वर में तालाब के पास एक पैंथर मृत अवस्था में मिला, जिसका आज डूंगरपुर दो नदी नर्सरी परिसर में पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मृत तेंदुआ का अंतिम संस्कार किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही तेंदुआ की मौत किस कारण से हुई उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुआ की मौत हुई है।